Pepsi प्रेजेंट एक्स्ट्रा कवर क्योंकि अभी नहीं तो जी हाँ। और यहाँ पे बड़े स्पेशल सवाल हम लोग कर रहे हैं, बहुत से स्पेशल लोग आए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें 2016 और हम देख रहे हैं कि यार कौन सी टीम ऊपर है कौन सी नीचे है और टीम के एनालिसिस भी करेंगे, मगर इससे पहले मुझे फीलिंग आ रही है कि हमना के पास कुछ सवाल है। मुस्तफा तुम सही कह रहे हो क्योंकि अब आज आके ना सारे कहते हैं यार कामरान बताएं इनसे, आज हमारे माशाल्लाह गेस्ट है हमारे हीरो इनके साथ। मैं भी काफी देर से परेशान हो रहा हूँ, तो मेरे साथ आया लेकिन फिर चीक निकली। कंडीशन है मैंने आपको जिन्होंने पैसे देने उन्हें को नहीं डर था को तो चुप करके ना नहीं डर यार अपने प्रोड्यूसर से कहे कि जरा मुझे कोई अनक दे दें मेरी आंखों में बहुत रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तुम निशाना बन के देखो तुम पिछले अगे कर लो दे सारी दुनिया वाल लाउंदी है गंजा टाकी मारदा है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਪਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਥਾਣੇ ਫੜਿਆ ਵੈਸੇ वाली बात है कि सीएम का बच्चा थाने में पकड़ा और आप फड़िया। अच्छा मेरे ख्याल से इस वक्त एक कॉल है मुल्तान से, मोहसिन हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मोहसिन? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक मोहसिन, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। चलो मोहसिन यार सबसे अप टू डेट क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, जल्दी से बता दो कि अभी मैच किसका है। ये तुमसे क्वेश्चन है तुम अभी सोचोगे नहीं, अगर तुमने देना सेकंड बता दिया तो तुम्हें एक गिफ्ट हैंपर मिलेगा, ठीक है जी? अगर तुम मुझे लगता है आंसर नहीं आता। आज कौन कौन सी टीम खेल रही है? आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। मोहसिन ने मुल्तान से कॉल किया, पूरा प्रिपेयर हो गया है मेरे ख्याल से, चार पांच बुक्स क्रिकेटिंग खोली हुई थी इनने सामने, चार पांच तस्वीरें भी लगी होंगी, पूरा माहौल बना के कॉल। मुल्तान वैसे प्यारा इलाका है, बड़ा सोहन लगे था बल्ला बना लेंदा सोहन लगा और खा भी जाता खेलते खेलते आज शॉट मार के नाल। से हमारे एक बड़े स्पेशल सेगमेंट का जो है वो वक्त होता जा रहा है, तो चल के देखते हैं कि हमारा वो जो स्पेशल सेगमेंट है वो क्या है और फिर वापस आते हैं। ओके जी हमारे स्पेशल सेगमेंट है एक्स्ट्रा ओपिनियन, यानी कि हम सलमान भट्ट का ओपिनियन एक्स्ट्रा ओपिनियन जानेंगे और आज के मैच के हवाले से जो ऑब्वियसली आप जान चुके हैं, मोहसिन ने बता दी कि किसके दरमियान है इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो देखते हैं सलमान भट्ट का एक्स्ट्रा ओपिनियन। इंडिया और न्यूजीलैंड बोथ गुड टीम्स, पहले ऐसा होता था कि जब कोई बाहर से टीम आती थी सब कॉन्टिनेंट में तो कंडीशंस एलियन होने की वजह से उन्हें देर लगती थी एडजस्ट होने में, लेकिन अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जितनी भी टीम्स हैं उनके जो स्टेक होल्डिंग प्लेयर्स हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और आईपीएल खेलते हैं तो फिर पूरे इंडिया में हर जगह मैच खेलते हैं, जब खेलने के बाद 8 से 7 साल का कई प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है, मैकलम खेलता था विटोरी खेलता था इस टीम में से, गप्टिल खेल रहा है, विलियमसन नेक्स्ट खेलेगा, वो रॉस टेलर खेल रहा है, बॉलर्स उनके खेल रहे हैं, सो दे नो कि क्या करना है। ठीक है इंडिया इज ऑल्सो गुड साइड, आई डोंट थिंक ये वन साइडेड मैच होगा, मे बी बिकॉज इंडिया में है, इंडिया की टीम फॉर्म में है, 60% चांस आप 60 भी नहीं 55 टू इंडिया 45 टू न्यूजीलैंड, लेकिन क्लियर फेवरेट इसमें कोई नहीं है, इट विल बी अ गुड गेम, कोई भी जीत सकता है, कोई भी जी जी। और सीएम साहब चाह पी नहीं अभी भी लंगड़े ने सारे क्यों नहीं उठ रहे मुझे लग रहा जल्दी शेरवानी ला लो शो के चार्ज पे इतना कटा लेना सूबा छोटा है
साल बाद कपड़े बन जाते लंडे च अपने दे आते उन्होंने पा के आ जाते टोपी नाल बड़े काम लेंगे की टोपी ला के इंडिया च चिड़िया फड़ देने लड़िया कितों बनी वो सूबे ही छोटा और सजा बंदा रोटी बहुत खाता जी होने दरबार से गया नौ प्लेटा चौलों दिया खा गया बंदा कहता तू बाबे मानना कहना नहीं कहता उठ जा बाबा तेन मन गए दरबार से अगे लड्डू पे से कहना बाबा जी मंगनी करा ली सानू दस्या ही नहीं बाबा जी के बारे में इस वक्त मेरे ख्याल से कल का जो मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का उसके बारे में जान लेते हैं सलमान कि कल किसके ज्यादा चांसेस है अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कौन लाइक 50-50 होगा 45 क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर रहे हैं नहीं आई थिंक अगर पाकिस्तान देखे पाकिस्तान जो है ना एशिया कप में अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल नहीं खेला अच्छा। वो हमसे जीते जरूर है बट इट वाजंट लाइक वी डिडंट इवन गिव देम अ प्रॉपर फाइट अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेले तो आई थिंक पाकिस्तान इज अ फेवरेट टू विन द गेम टुमारो और एक्सपीरियंस वाइज भी वैसे भी जो है हमारी टीम जो है वी एक्सपेक्टेड टू बी मच बेटर देन देम तो आई थिंक 30-70 तो हम लुक फॉरवर्ड करेंगे और कौन से वो दो प्लेयर्स होंगे दोनों टीम्स के अंदर जो बड़ा अहम किरदार प्ले करेंगे मतलब बांग्लादेश की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से आई थिंक वन ऑफ द बैट्समैन हैज टू किक ऑन टू मतलब अच्छे स्कोर होंगे 150 से आप प्लस करेंगे तो वी स्टैंड अ चांस और उसमें वी नीड अ बैट्समैन आपका इशारा कैप्टन की उमर अकमल और शोएब मलिक की फॉर्म बड़ी अच्छी है तो उसके अलावा हफीज ने भी कल रन किए हैं तो लेट्स सी उन दोनों में से और बॉलर्स में आई थिंक आमिर और वहाब वुड बी वेरी क्रूशियल इवन इरफान इज बॉलिंग रियली वेल बहुत अच्छी बॉलिंग बांग्लादेश की तरफ से आपको क्या लगता है बांग्लादेश की तरफ से की प्लेयर्स हैं तमीम इकबाल वो दो दफा नॉट आउट है अभी तक वर्ल्ड कप में एक 81 है एक 100 कुछ है एक 48 है सो ही इज अ की मैन और मोहम्मदुल्लाह जिसने लास्ट पाकिस्तान के खिलाफ मैच बड़ा अच्छा खेला था शबीर है ये और दो के इनका एक और लड़का है सौम्या सरकार वो बाकी के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलता टॉस कितना क्रूशियल होगा इस मैच में आपको क्या लगता है टॉस इतना कोई फर्क नहीं डालेगा अच्छा? मेरा नहीं ख्याल के T20 के मैच में पिच इतनी चेंज नहीं होती फ्यू फैक्टर की वजह से टीम्स अगर कोई टीम की बॉलिंग वो समझे कि शायद इट्स नॉट अप टू द मार्क तो उसको चेस करना आसान होता है पाकिस्तान के खिलाफ चेस करना आसान नहीं होता और मोहम्मद इरफान अच्छा बॉलिंग करवाएंगे क्योंकि पहली बार डबल मंजिल बॉलर अच्छा जी पीछे हमारे साथ यहाँ पे हमारी टीवी स्क्रीन पे टॉस चल रहा है मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड जो है वो टॉस जीत चुकी है तो अभी बैटिंग में ये नहीं पता कि बैटिंग कौन कर रहा है मगर क्या लग रहा है दूसरा कैप्टन नजर नहीं आएगा ना तो इसका मतलब टॉस वो जीता था बिकॉज टॉस न्यूजीलैंड ने जीता न्यूजीलैंड ने जीता जी जी सूबा छोटा है बेचारे मैं क्या उधर जाके फिक्र करो मोहम्मद इरफान गया ताडा ते सूबा भी छोटा है उधर सिर वजना इन्हें कद जा सूबा ही छोटा है इन करके खेडना पैना मगर अभी टॉस हो जा रहा है अच्छा डिसीजन है क्योंकि वर्ल्ड कप का स्टार्ट है तो जो है वो बैटिंग में चेज में थोड़ा प्रेशर भी होता है ऑब्वियसली और लेकिन आई थिंक इंडिया इज अ गुड चेजर इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ेगा हाँ न्यूजीलैंड ने डेफिनेटली उन्होंने कुछ देख के फैसला किया होगा पहले बैटिंग करने का क्योंकि मोस्टली टीम्स जो है जब इंडिया से मैच खेलती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो चेज करें बिकॉज इंडिया की जो बॉलिंग है वो मतलब वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवें छवें नंबर पे आती है कोई इतनी टॉप की बॉलिंग लाइन नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो आपको क्या लगता है आज इंडिया जीतेगा कि न्यूजीलैंड ये सवाल हम लेंगे मगर इससे पहले हमें जाना है ब्रेक पे ब्रेक पे जाते हैं जल्दी से वापस आते हैं पेप्सी प्रेजेंस एक्स्ट्रा कवर जो दरबार से अगे लड्डू पे से कहना बाबा जी मंगनी करा ली सानू दस्या ही नहीं दरबार से गए 100 रुपया दिता गले च पा दी उ जाके बाबा जी एना तो मैनू
एक्सचेंज ऑफर मेरे ख्याल से उन्हें की बाबा जी के साथ, और बाबा जी के बारे में भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, आप फिक्र ना करें। मगर इस वक्त मेरे ख्याल से कल का जो मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसके बारे में जान लेते हैं सलमान, कि कल किसके ज्यादा चांसेस है, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कौन लाइक 50-50 होगा, 45 क्या? कल पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक अगर पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान जो है ना एशिया कप में अपने पोटेंशियल पे बिल्कुल नहीं खेला। अच्छा। वो हमसे जीते जरूर है, बट इट वॉजन लाइक वी डेंट इवन गिव देम अ प्रॉपर फाइट। अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेले तो आई थिंक पाकिस्तान इज अ फेवरेट टू विन द गेम टुमारो। और एक्सपीरियंस वाइज भी, वैसे भी जो है हमारी टीम जो है वी एक्सपेक्टेड टू बी मच बेटर देन देम। तो आई थिंक 30-70 का मैच, 30-70 तो हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। और कौन से वो दो प्लेयर्स होंगे दोनों टीम्स के अंदर जो बड़ा अहम किरदार प्ले करेंगे, मतलब कि बांग्लादेश की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से? आई थिंक वन ऑफ द बैट्समैन हैज टू किक ऑन टू, मतलब अच्छे स्कोर होंगे, 150 से आप प्लस करेंगे तो वी स्टैंड अ चांस। और उसमें वी नीड अ बैट्समैन, आपका इशारा है कैप्टन की उमर अकमल और शोएब मलिक। टाकियां निकलन गया मोटरसाइकिल लाके पंप पे चला गया, तेल पवा के कहंदा वाइपर मार दियो, उन्होंने तो सिर पे मारे। अमरन साहब तुहानू तारीफ करा दिए सीएम साहब ने। अच्छा, हां जी, वड्डा मुंडा थाने फड़िया वैसे वाली बात है कि सीएम का बच्चा थाने में पकड़ा और फड़िया सी। अच्छा, मेरे ख्याल से इस वक्त एक कॉल है मुल्तान से, मोहसिन हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मोहसिन? बिल्कुल खैरियत, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक मोहसिन, मैं रैम एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल जी एंजॉय कर रहे हैं, आपका सलाम बहुत अच्छा जा रहा है। चलो मोहसिन यार, सबसे अप टू डेट क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे, जल्दी से बता दो कि अभी मैच किसका है? ये तुमसे क्वेश्चन है तुम अभी सोचोगे नहीं, अगर तुमने विद इन अ सेकंड बता दिया तो तुम्हें एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, ठीक है? अगर तुम, मुझे लगता है आंसर नहीं आता। आज कौन कौन सी टीम खेल रही है? आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। मोहसिन ने मुल्तान से कॉल किया, पूरा प्रिपेयर हो गया है मेरे ख्याल से, 4-5 बुक्स क्रिकेटिंग खोली हुई थी इनने सामने, 4-5 तस्वीरें भी लगी होंगी, पूरा माहौल बना के कॉल। मुल्तान वैसे प्यारा इलाका है, सोन हलवे का बल्ला बना लेंदा और खा भी जाता खेलते खेलते, आज शॉट मार के नाल। अब हमारे से हमारे बड़े अभी भी लंगड़े ने सारे क्यों नहीं उठ रहे? मैं तुहाडे मुल्क दे विच आया, तुसीं धरना मान लिया, मोहब्बत में बैठे हुए, ये प्यार वतन से प्यार करते हैं इसलिए यहाँ पे बैठे हैं, वरना तेरी तोड़ चेक के छुट्टी होकर चल लगे। मुझे लग रहा है जल्दी से शेरवानी ला लो, शो के चार्ज पे इतना कटा लेना यार, कितने रख लो, मैं दसा कि सूबा छोटा है। साल बाद कपड़े बन जाते लंडे च, अपने दे आ जाते टोपी ना बड़े काम लेंगे, टोपी ला के इंडिया च चिड़िया फड़ देने। अच्छा, कितों बनी हो, सूबा ही छोटा। बैठिया बढ़ता और सजा बंदा रोटी बहुत खाता जी, और दरबार से गया 9 प्लेटा चौला दिया खा गया बंदा, कहता तू बाबे नु मानना, कहना नहीं, कहता उठ जा बाबा तेनू मान गए। स्पेशल सेगमेंट का जो है वो वक्त होता जा रहा है, तो चल के देखते हैं कि हमारा वो जो स्पेशल सेगमेंट है वो क्या है, और फिर वापस आते हैं। ओके जी, हमारे स्पेशल सेगमेंट है एक्स्ट्रा ओपिनियन, यानी कि हम सलमान भट्ट का ओपिनियन, एक्स्ट्रा ओपिनियन जानेंगे, और आज के मैच के हवाले से जो ऑब्वियसली आप जान चुके हैं, मोहसिन ने हमें बता दी कि किसके दरमियान है इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो देखते हैं सलमान भट्ट का एक्स्ट्रा ओपिनियन। इंडिया और न्यूजीलैंड बहुत गुड टीम्स, पहले ऐसा होता था कि जब कोई बाहर से टीम आती थी सब कॉन्टिनेंट में, तो वो कंडीशंस एलियन होने की वजह से उन्हें देर लगती थी एडजस्ट होने में, लेकिन अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जितनी भी टीम्स हैं उनके जो स्टेक होल्डिंग प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो सब आईपीएल खेलते हैं, और आईपीएल खेलते हैं तो फिर पूरे इंडिया में हर जगह मैच खेलते हैं, जब खेलने के बाद 8 से 7 साल का कई प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है,
मैं कलम खेलता था, विटोरी खेलता था, इस टीम में से गप्टिल खेल रहा है, विलियमसन नेक्स्ट खेलेगा, वो रॉस टेलर खेल रहा है, बॉलर्स उनके खेल रहे हैं, सो दे नो कि क्या करना है. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो गुड साइड. आई डोंट थिंक ये वन साइडेड मैच होगा, मे बी बिकॉज इंडिया में है, इंडिया की टीम फॉर्म में है. 60% चांस, 60 भी नहीं, 55 टू इंडिया, 45 टू न्यूजीलैंड, लेकिन क्लियर फेवरेट इसमें कोई नहीं है. इट विल बी अ गुड गेम, कोई भी जीत सकता है, कोई भी. जी जी. और सीएम साहब चाहते ही ओके जी, वेलकम बैक टू पेप्सी प्रेजेंट एक्स्ट्रा कवर. क्योंकि अभी नहीं तो और यहाँ पे बड़े स्पेशल सवाल हम लोग कर रहे हैं, बहुत से स्पेशल लोग आए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें 2016 और हम देख रहे हैं यार कौन सी टीम ऊपर है, कौन सी नीचे है और टीम के एनालिसिस भी करेंगे. मगर इससे पहले मुझे फीलिंग आ रही है कि हमना के पास कुछ सवाल है. मुस्तफा तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अब आज आके ना सारे कहते हैं यार कामरान है, बताएंगे इनसे. आज हमारे माशाल्लाह गेस्ट है, हमारे हीरो इनके साथ. यार अपने प्रोड्यूसर से कहे कि जरा मुझे कोई अनक दे दें, मेरी आंखों में बहुत रिफ्लेक्शन पड़ रही है. तुम निशाना बन के देखो, तुम पिछले अगे कर लो. सारी दुनिया वाल लाउंदी है, गंजा टाकी मारदा है. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ.